सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर से आपका स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली कुछ खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने अपनी टैबलेट को नॉर्मल कर लिया है और अब उसे अब जैसे पहले थी वैसे ही करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अब जमा करवानी है स्कूल के अंदर या टीचर को वापस देनी है। नॉर्मल करने के लिए आपने स्पेशली क्या क्या होगा, आपने गेम लॉन्चर है ना, गेम लॉन्चर को ओपन किया होगा और यहाँ पर इस कॉर्नर पर क्लिक किया होगा और एड एप्स पर क्लिक किया होगा और यहाँ से आपने स्टूडेंट क्वेश्चन को डिलीट कर दिया होगा और मैनेज क्वेश्चन को डिलीट कर दिया होगा। तो अब आप वैसे ही कैसे कर सकते हो वापस, आपको बता दें कि यहाँ से नॉर्मल करने के बाद आप बहुत सारी एप्लीकेशन और सभी एप्लीकेशन आप यहाँ चला सकते हो। जैसे आपकी नॉर्मल टैब चलती है, जैसे कि मैं मौज एप्लीकेशन आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एप्लीकेशन है जो अच्छे से वर्क कर रही है, कोई इसमें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आराम से वर्क कर रही है और यहाँ पर आपको जो है मैनेज जो कैनक्स मैनेज है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब तक आपको कैनक्स मैनेज या स्टूडेंट की उसे देखने को नहीं मिलेगा तो आपकी टैबलेट नॉर्मल रहेगी। और नॉर्मल करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कैसे आप नॉर्मल कर सकते हो। अब बारी आती है कि साथियों, अब आप इसे वैसे जैसे आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी वैसे ही कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने वापस इसे स्कूल के अंदर जमा करवानी है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर कहीं पर भी कैनक्स मैनेज देखने को नहीं मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊँगा वैसे ही, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको गेम लॉन्चर है इसके अंदर आना है और यहाँ पे ऊपर की तरफ करना है इसे और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके ऐड ऐप्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको देखने को नहीं मिल रहा है कैनक्स मैनेज, लेकिन यहाँ पे ऊपर ही आपको कैनक्स मैनेज देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैनक्स मैनेज पे जो है क्लिक कर देना है, ओपन कर देना। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग द क्योसिक ऐप आपका यहाँ पे वेट होगा, कम से कम आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है, एक घंटे से आधा घंटा तक भी लग सकता है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये नॉर्मल यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ साथियों, अगर आपका नॉर्मल नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली इसको रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट का मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे आपको रीस्टार्ट करना होता है। आपको क्या पावर बटन प्लस करके रखना है और साथ में उसके वॉल्यूम माइनस बटन प्रेस करके रखना है। तो ऐसे आप इसे जो है रीसेट कर सकते हैं और रीसेट होने के बाद आपका टैबलेट है जो नॉर्मल हो जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, नहीं तो आपको एक घंटा भी लग सकता है। तो आपको रीस्टार्ट जरूर कर लेना है। तो साथियों ये थी वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।